स्टेशन पर जब यात्री के पास मेट्रो का सहारा हो, क्योंकि जगह जगह पर रास्ते पे बैरिकेडिंग है और ये आह्वान भी किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, खासतौर पर अजमेरी गेट साइड उतर रहे हो, तो मेट्रो ले, वो उनकी मंजिल जो है वो आसान करेगी। इसका असर जो टैक्सी वालों पर पड़ा है, क्या असर पड़ा है या असर नहीं पड़ा है वो समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, ये टैक्सी वाले उन मुसाफिरों के इंतजार में रहते हैं जो यहाँ पर नई दिल्ली में अजमेरी गेट साइड से उतरते हैं और अपनी जगह पे जाते हैं, तो इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इस दो दिनों में कोई असर भी पड़ा है आप लोगों की कमाई पर, क्योंकि ज्यादा लोग मेट्रो ले रहे हैं, हमने देखा कि मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो सर है ही है, क्योंकि जो है रास्ता तो बहुत ऐसे है कि चेंज किया गया है, जो कि अगर हमें जाना है जैसे बदरपुर की साइड, तो उसके लिए है कि पूरा गीता कॉलोनी बाहर बाहर से जाना घूमना पड़ेगा, यानी ज्यादा दूरी तय। ज्यादा दूरी तय। और पैसा कमाई लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लोग तो हल्का फुल्का ही रहे, जो देख ही रहे हैं आप, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, हर कोई कमाने खाने की बात है और कमाई यहीं पे हो सकती है। सर, आपसे समझना चाहते हैं कि इस दो दिनों में कमाई पर भी असर पड़ा है, लोग आ रहे हैं कि? कमाई पे तो असर पड़ा है सर, बहुत कमाई पे असर पड़ा है, लोगों को दिक्कत हो रहा है, लोग आ नहीं रहे हैं, सारे लोकल ट्रेन रद्द हो गया, बहुत गाड़ी लोकल ट्रेन, या हमने देखा कि मेट्रो वगैरह का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाँ, मेट्रो से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो है हम लोग काम। तो कितना कमाई कर लेते थे, अभी कितना आपको हुआ है अगर आम दिनों की तुलना करेंगे तो? ऐसे तो हम लोग अभी जब से लोग अति ओला उबेर चला, जब से हम लोग तो दिहाड़ी नहीं, अभी हम कह रहे हैं इस दो दिनों में, दो दिन में वही अपना खड़खड़ा के निकल रहा है बस, ऐसे तो काम हो 400-500 का काम हो रहा है, ज्यादा ज्यादा बस। इससे ज्यादा होता था जब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जब ये नहीं, पहले भी वही 700-800 के टोटल काम होता था हम लोग। असर पड़ा। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो टैक्सी ड्राइवर हैं। सर, आप बताइए असर को लेके क्या कहेंगे, इस बीच में कमाई पे भी असर पड़ा है, कमाई जब ये G20 वाला मामला है दो दिवसीय, तो आपको लग रहा है कि जितना कमा पाते थे पहले उससे? रूट बंद है तो कैसे कमाएंगे, लोग नहीं आ पा रहे हैं, लोग नहीं आ पा रहे हैं, ट्रेन बहुत सारे कैंसिल है। आप लोग बताइए कि रोज दिन कितना कमा लेते थे? अभी तो हमें यहाँ के लिए नए हैं, कुछ अभी यहाँ का जानकारी नहीं है, अभी 6-7 महीने से चल रहे हैं। तो 6-7 महीने में बताइए, 2-3 दिन पहले जो कमाई होता था, कमाई नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हम समझ नहीं हो रहा है। इनकम पूछ रहा है? नहीं हो रहा नहीं, अभी इनकम अभी तक तो बन ही नहीं हुआ है। और आम दिनों में हो जाता था कि जब ये सम्मेलन नहीं हो रहा था तो जरूर हो जाता था? अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अभी थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है, दिक्कत चल रही है। सर, आपसे समझना चाह रहे हैं, ये नहीं भाग कह रहे हैं, आप ही लोग के बात नहीं बात कीजिएगा। तो यहाँ पर और भी लोग हैं जो बात कर लेंगे, उनसे बात करने की कोशिश। इस बीच में एक दो दिन में कमाई पर असर भी पड़ा है, रास्ते वगैरह पे बैरिकेडिंग है, थोड़ा मोड़ा तो पड़ा है। यहाँ पे ऑटो वाले भी बहुत ज्यादा खड़े होते थे, आपकी टैक्सी की संख्या भी ज्यादा रहती थी, वो भी कम है? अभी आने दे रहे नहीं दे रहे ना, कम है। तो असर के दायरे में फिलहाल यहां पर जो ऑटो चालक हो, टैक्सी चालक हो, उनकी जेब पर पड़ा है। लेकिन ये वक्त जो है वो बड़े आयोजन का है और इससे बहुत नतीजे निकलने वाले हैं, इसलिए असर के दायरे में तो ये लोग जरूर हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का कार्यक्रम है, सम्मेलन है, उससे उम्मीदें बहुत है। तो ये सेंट्रल दिल्ली और खासतौर पर नई दिल्ली के इलाके में पहले से ही लाजमी था, और लिहाजा यहाँ पर आप देखिए कि उस तरीके से ऑटो या टैक्सी बहुत कम तादाद में है, बहुत ज़्यादा उनकी मौजूदगी नहीं है, क्योंकि लोगों को पहले से पता था। और इन दो दिनों में इसकी तादाद कम ही रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो ले रहे हैं, तो असर इनकी कमाई पर भी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।